Hey guys, welcome back to new blog. This is Kuldeep Chandolia और friends, और अभी मैं तैयार तो हो चुका हूँ, ठीक है, और थोड़ा आराम करने के लिए लेटा हूँ कि आराम कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरी ट्रेन बुक एक्चुअली हो गई थी, क्योंकि जो मेरे को जाना है राजस्थान की तरफ जाना है, पर मैं दिल्ली तक जाऊँगा, ठीक है, ट्रेन के अंदर। फिर आगे देखते हैं कैसे चलेंगे, बस में चलेंगे या कैसे चलेंगे, वो आगे आपको इसी व्लॉग के अंदर अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ मम्मी ने मेरे को गिफ्ट किया है, ये स्वेटर ऐसा कुछ लग रहा है, तो अभी मैं खड़ा होकर भी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में कि ये कैसा लग रहा है। आप बताओ, कमेंट करो नीचे कि हाँ कुलदीप भाई अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, जो भी जैसा भी लग रहा है तो कमेंट करो। तो निकलेंगे, जब भी निकलूँगा मैं आपको दिखाऊँगा। ओके, अभी थोड़ा सा सो लेता हूँ। फ्रेंड्स, रात के 12 बज गए हैं, 12 बजे की ट्रेन है हमारी, ठीक है, होशियारपुर टू दिल्ली। पहले मैं दिल्ली जाऊँगा, फिर वहाँ से हरियाणा वरियाणा या जहाँ भी मेरे को जाना है, एक्चुअली राजस्थान जाना है, तो राजस्थान के लिए कुछ लूँगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट नहीं मिल रहा था और वो राजस्थान से थोड़ा हटके पड़ जाता है जो एरिया है, इसलिए यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा था। तो मैं फाइनली रेडी हो गया हूँ, ये देखो शूज़ बूट सब कुछ पहन के आया हूँ। तो ऐसे ही चलेंगे और ऐसे ही पहुँच जाएंगे जहाँ शादी है, वहीं पर अटेंड करेंगे, ठीक है। ओके भाई, हमें छोड़ने आए हैं, हमेशा हमारे पीछे हर मौके के साथ हमेशा हमारे साथ खड़े हैं सचिन भैया। तो सचिन भैया थोड़ा शाई फील करें, क्योंकि ये परफॉर्मेंस पूरी देते हैं, तो इसलिए थोड़ा शाई फील कर रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ओल्ड दिल्ली, और मैं चाहता हूँ आपको ये कोई नई सीट थी, ऊपर वाली नई सीट थी, और ऐसा कुछ व्यू है बाहर का। अपन चलते हैं बाहर और बस की तरफ चलते हैं, बस पकड़ते हैं। दिल्ली मेट्रो स्टेशन, ये देखो आप पूरा, यहाँ पे 12-13 प्लेटफॉर्म है, 12-13 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, ये देखो पूरा। इस साइड से देखो, इधर 12-13 प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, बस में मैं सफर कर रहा हूँ और बस यहाँ पे रुकी है फाइनली, हम यहाँ पे खाना वाना खाएंगे। हम क्या, मैं ही अकेला हूँ तो मैं अकेला ही खाऊंगा खाना, मैं हमेशा कुछ ना कुछ गलत बोल देता हूँ, तो कोई बात नहीं। आप लोग अपना भाई समझ के, दोस्त समझ के, एक फ्रेंड समझ के आप कुछ भी मेरे को बातों को इग्नोर करें और ब्लॉग को शेयर करें, क्योंकि मेरी जो वीडियो की वो है कि ग्रोथ है जो कम होती जा रही है, दिन ब दिन कम होती जा रही है। मैं यही देख पा रहा हूँ कि जहाँ मेरे व्यू 300, 350 आते थे, वहाँ आज वो भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। बट कोई बात नहीं, हम अच्छी वीडियो भी बनाएंगे, थोड़ा मेरा और भी सेटअप आने वाला है, वो सब आने के बाद हम अच्छी वीडियो बनाएंगे डेफिनेटली, अच्छी क्वालिटी के साथ और अच्छे व्यूज के साथ, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे खाना मंगाते हैं और खाते हैं, बाहर खड़ी है हमारी बस वहाँ पर कहीं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा खाना, मिक्स वेज और ये चपाती ली है मैंने, दो ही चीज़ें ली है। हम आ चुके हैं शादी वाले घर के अंदर, तो यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल चल रहा है पीछे, और इससे लगे हैं गुब्बारे, ये देखो सॉरी, तो लड़के से मिलवाते हैं जिसकी शादी है उससे मिलवाएंगे। बस ये सिस्टम देखो आपके खाना लगेगा, ये देखो टेबल लगे हुए, दोपहर का खाना शाम का खाना यही लगेगा, और उधर हो रहा है कुछ काम, ये देखो यहाँ पे हल्दी हुल्दी लगेगी लड़के को। तो ये देखो यहाँ पे पीछे कहीं पहाड़ है, ये सब मिट्टी के पहाड़ हैं, ठीक है, हरियाणा में मिट्टी के पहाड़ होते हैं, पर राजस्थान में पत्थर के पहाड़ होते हैं, ठीक है, ये मिट्टी के पहाड़ हैं, ये देखो जितना मैं जूम कर सकता कर दिया हमने। Thank you.
काली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल, वो किथे चली जांदी है, वो किथे चली जांदी है, तैनू पुछना है कोई सवाल, वो दस दे खवारिया है किसे दे तू नाल, तू दूरो दूरो जानी है, जान गड़ जानी है आपने देखा होगा थोड़ा सा मैंने दिखाया डीजे, डीजे बहुत ही बढ़िया था। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पे सारी फैमिली है, इधर फैमिली बैठी है अपना अपना एंजॉय कर रही है। तो फ्रेंड्स मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हो चुकी है। ये है मेरे फ्रेंड के भाई और मेरे भी भाई है मनु भाई है, और आज है बारात का दिन, तो आज बारात में चलेंगे। ठीक है, बारात जा रही है एमपी, हरियाणा बॉर्डर से एमपी जाएगी, तो अराउंड 12-13 घंटे लग जाएंगे। तो मनु भाई कुछ कहना चाहते हो हमारे चैनल को? भाई मैं भाई के चैनल कहना चाहता हूँ, और भाई इतनी मेहनत कर रहा है, भाई का चैनल देखा करो यार, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज दिखाता है, इतना बढ़िया बढ़िया ब्लॉग बनाता है, देखा करो भाई का चैनल। तो ये मनु भाई है, इनका बड़प्पन है कि मेरे को सपोर्ट करते रहते हैं हमेशा, और बाकी ये पूरा मेरी शादी के अंदर डांस करने में पूरा साथ देने वाले है, फुल डांस, तो बने रहे, देखते रहे, और थोड़ा थोड़ा मैं वो करूंगा व्लॉग, इतना नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा व्लॉग करूंगा, और थोड़े थोड़े व्लॉग में आपको जो जो चीजें हो सकेंगी वो मैं दिखाऊंगा, पूरा व्लॉग नहीं करूंगा क्योंकि एक्चुअली फैमिली मैटर है, तो इसलिए वजह से। ओके, मैं अभी उठ चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पे सो रहा था मैं, और एक घंटे से ज्यादा हो गया मेरे को अपना चश्मा ढूंढते हुए। ठीक है, यहाँ पे मेरा चश्मा पड़ा था, यहाँ के टेबल पे हम देख पा रहे, ये रहा टेबल, ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे जितने बंदे हैं वो बताएंगे किसी ने मेरा चश्मा देखा कि नहीं। भाई लोग किसी ने देखा चश्मा? नहीं भाई यार, हम सोए थे तो था, लेकिन अभी वहाँ वो चश्मा नहीं है। तो मनु भाई हैं, ठीक है, इन्होंने मतलब कह रहे हैं कि मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, पर कुछ शर्तें हैं इनसे, कौन सी शर्तें? पहले बार भाई का पोर्ट्रेट मोड ऑन हो गया, इसके साथ साथ रखिए एक सिगरेट की डब्बी लेके आएगा ये, और फिर मैं इसको इसका चश्मा ढूंढ के दूंगा। ब्रांड तो बताओ। ब्रांड पूरा पूरा भाई का 251 रुपए का चश्मा था, मैं इसको ढूंढ के दूंगा भाई को। बाय गाइस। अरे पता नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर वो मतलब वैसा फैंसी चश्मा होता, फिर भी मेरी स्पेक्स है, वो स्पेक्स पता नहीं कौन उठा के लेगा, मतलब निगाह वाला चश्मा है। सिगरेट ला दे, तेरा चश्मा अगर ढूंढ के नहीं दूं ना तो मैं भी असली आदमी हूँ। बस फाइनली फ्रेंड्स हमारा चश्मा मिल चुका है, और जो वो पर्सन था वो बोल रहा था मनु भाई, उसके पास ही था, बस वो सिगरेट पीने के लिए उसने मेरा चश्मा लुकोया था, तो उसने सिगरेट अपनी ले लिया और मेरा कुछ चश्मा अपना मिल गया। ओके, तो
फ्रेंड्स अभी हम निकल चुके हैं, फिलहाल मैं गाड़ी में तीनों ड्राइवर गाड़ी में बैठा हूँ और ये फ्रेंड मेरे साथ बैठे हैं। और सुशांत नहीं, हमें से कोई नहीं पीता। सुशांत आगे बैठा है और इधर भाई ड्राइव कर रहे हैं, है, वो तो आपकी बहुत मस्त गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि हम एमपी में टाइम से पहुंचे और टाइमली पहुंचे और अच्छी शादी हो, हैप्पीली शादी हो। और अपनी ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता रहूंगा, ब्लॉग में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन आल्सो। अच्छा तो नहीं होगी। तो हे गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं और इस गाड़ी से हम सफर कर रहे हैं, होंडा सिटी से हम सफर कर रहे हैं और सुशांत की शादी में, हम सफर कर रहे हैं दूल्हे राजा। तो फाइनली हम रुके थे और अब थोड़ा बहुत चलेंगे और आगे देखते हैं अब कहाँ ब्रेक लगती है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा सेकंड स्टॉप, अब हम यहाँ पे रुके हैं। ये देखो 3 और 4 बंदे हम यहाँ रुके हैं। ठीक है, ये है सुशांत सिंह, क्या कर रहे हैं भाई, एक्सेस करते हैं। उस रोड पे चलेंगे ना दमोह से जबलपुर, तो भाई साहब इतना जंगल है। ये हमें बताएंगे जो आपने ट्रॉलीज देखी हैं, तो ट्रॉलीज के क्या काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये हमें बताएंगे। यार तुम बताएंगे जो आपने अभी देखी होंगी ये सब ट्रॉलीज के बारे में, भाई बताएंगे कि क्या काम हो रहा है, कैसे प्रोसेस चल रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है। हम बोलो ट्रॉली जो एक्चुअली में कोर्स पार्टिकल कलेक्ट करके और जो प्लांट मिक्सर वहाँ पे लेके जा रही है उनको ग्राइंडिंग करने के लिए। ये जो ट्रॉलियां हैं ये कोर्स पार्टिकल्स कलेक्ट करके, ठीक है, और ये अपने उसमें मिक्सर में ले जा रही है ग्राइंडिंग करने के लिए। उनको ग्राइंडिंग करके इनमें जिप्सम वगैरह मिला के सीमेंट को तैयार किया जाएगा। काफी लंबा प्रोसेस होता है और ये मैन पावर को रिड्यूस करने के लिए सब प्रोसेस लगाया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला, ठीक है, और जिप्सम का फॉर्मूला हम अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें अगर जिप्सम का फॉर्मूला जानना है तो। ओके, इस वीडियो को प्लीज देखें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये देखिए इस ट्रॉली में रॉ मटेरियल जा रहा है, इस ट्रॉली में माता एक ट्रॉली। हेलो गाइस, ये देखिए हम हैं माइसिम सीमेंट में और यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रॉली जा रही है, इसमें रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ रही है हमारी ट्रॉलीज, कितनी सारी जो भी मटेरियल है इस फैक्ट्री के अंदर जाता है और सीमेंट तैयार करता है। ये देखो ट्रॉली पे ट्रॉली निकल रही है, यही पूरे रास्ते में घूम रही है, एक जा रही है एक आ रही है, एक जा रही है एक आ रही है, यही चल रहा है, यही है फैक्ट्री पूरी। मैं उतर नहीं सकता क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। आप ऐसे देख लीजिए, ये देखो ट्रॉली। नहीं हो, तेरा नखरा नहीं हो, जगो अखरा नहीं हो।
मेरा जग नू चुन्नी कर दी सारे मेरी पग नू अग लाउण दा इरादा तेरा जग नू चुन्नी कर दी सारे मेरी पग नू अग लाउण दा इरादा तेरा जग नू चुन्नी कर दी सारे मेरी पग नू तेरी ब्यूटी दी की सिफत करा दिल करदा दिल तेनु गिफ्ट करा तेरे लग ते नजर टिकी रह गई गल पुट के स्वीटू जेहा कह गई मेरा सब कुछ लुट के ही लै गई ओ गल पुट के स्वीटू जेहा कह गई मेरा सब कुछ लुट के ही लै गई ओ गल पुट के स्वीटू जेहा कह गई मेरा सब कुछ लुट के ही लै गई गल पुट के स्वीटू जेहा कह गई मेरा सब कुछ लुट के ही लै गई अभी हम घर जा रहे हैं। आवाज मेरी थोड़ी भारी आ रही होगी क्योंकि गला बहुत खराब है और मैं बस में बैठा हूँ और बस के अंदर घर जा रहे हैं। ये देखो आप, ये मेरा यहाँ पे कोट टंग रहा है और ये बेड है भी। ऐसा बेड है, कभी आप भी गए हो ऐसे स्लीपिंग बस के अंदर बरात में अगर गए हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना कि हाँ हम भी गए हैं ऐसी बरात के अंदर जहाँ पे स्लीपिंग सीट मिलती है सोने के लिए। और ट्रैवल है जो बहुत ही लंबा ट्रैवल था, 15 घंटे लग जाएंगे और आते वक्त तो हम कार में आए थे, जैसे भी आपने देखा होगा वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में आते वक्त हम कार में आए थे और अब मैं स्लीपिंग में जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे लेडीज ज़्यादा हो गई है कार के अंदर, इसलिए ये ऐसा कुछ है सुनने के लिए। यहाँ पे और है बस पूरी बस ऐसी ही है देखो, ठीक है पूरी यहाँ पे लगी विंडो हो रही है बाहर का नजारा। एमपी, ये है एमपी मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश के खेत है फ्रेंड्स, खेत है भी बियाबान जंगल है ये देखो जो भी है यही है। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ी सी ब्रेक लगी है हमारी और ये ऐसे ही बस का नजारा है अंदर से, ये देखो सबको अलग अलग सोने के लिए मिला हुआ है। ये है हमारे मन्नू भाई, इसका आपने डांस देखा होगा इसी ब्लॉग के अंदर, तो अभी अच्छा डांस करता हूँ, बहुत तगड़ा डांसर है ये। तो अभी बाहर चलते हैं, देखते हैं कुछ खाना पीने के लिए, चाय पनीर नाश्ता करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं यहाँ पे रिलेटिव से कि कैसी शादी रही, उनको मजा आया कि नहीं आया। पहले तो नाम बताओ। मेरा नाम है धीरज और मैं हूँ दूल्हे का भांजा। अच्छा। शादी में देखो मजा तो आया लेकिन मेरा मानना ज्यादा मजा आया सफर में। अच्छा। लंबा सफर है, हम रुक रुक के जा रहे हैं, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत सी नई दोस्त जो मैं जिनको भी नहीं जानता मैं, हमारे क्या नाम आपका ब्लॉगर साहब कुलदीप जी, जिनको नहीं जानता पर अब हम काफी हद तक एक दूसरे को जान रहे हैं। तो घुमा फिरा की बात ये है, शादी बहुत अच्छी हुई। अब जल्दी जल्दी मैं चाहता हूँ घर पहुंच जाए हम क्योंकि मेरा एग्जाम है 22 तारीख से। चलो गुड लक फॉर, इनको गुड लक कहेंगे, गुड लक फॉर एग्जाम। और कौन सा एग्जाम है? मेरा है थर्ड सेमेस्टर का बीए। अच्छा थर्ड सेमेस्टर बीए कर रहे हैं भाई, चलो ठीक है ओके। ये आ गया है मानो इज बैक। ये है आज का नाश्ता, ये है सब्जी, ठीक है पूड़ी और मिर्ची, ये है आज का नाश्ता। खा रहे हैं हम वो बस से हमारी बोले अपने सभी भाई लोग हैं। तो फ्रेंड्स अभी नाश्ता चल रहा है, मैंने नाश्ता कर लिया है और ये सभी फ्रेंड्स हैं अपने जो नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा ये नाश्ता सब चल रहा है और यहाँ पे देखो सब खा रहे हैं क्या कहते हैं आलू की सब्जी मटर की सब्जी और ये देखो बंदा क्या खा रहा है, ये आलू के पराठे, चाय एंड दही। और देखते हैं और जो अपने जानने वाले कौन कौन है यहाँ पे, उन सबसे मिलते हैं। बनी दूल्हे का भाई आएगा मेरे ब्लॉग के अंदर। बनी हेलो कर, एक मिनट। हाय ऑल, ये हमारे कुलदीप भाई हैं और बहुत जिगरी हैं, हम दोनों एकदम भाई की तरह हैं। हम पहले भी रहते थे एक साथ नोएडा में भी और भाई बहुत अमेजिंग पर्सन है, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, बात उसे कभी बोर नहीं होने देते, इसलिए भाई ने ब्लॉग का चैनल खोला है और एक नंबर का चैनल है और एक नंबर के भाई साहब है हमारे और एक दिन बहुत कामयाब होंगे, अभी तो शुरुआत ही हो रही है। ठीक है थैंक्स। ओ बनी 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 बहुत अच्छा बोल गया मेरे लिए, ये मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा बोल जाएगा मेरे YouTube चैनल के लिए, इतना अच्छा बोल जाएगा मेरे को पता नहीं था, बनी बहुत अच्छा बोल गया है।
फ्रेंड्स चाय हमारी आ चुकी है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इस कैमरे की और फ़ोन भी बहुत अच्छा है भाई का, जिसने हमें मौका दिया वीडियो बनाने का, बहुत ही तगड़ा फ़ोन है और चाय भी अच्छी है। और ये है हमारे मनु भाई, इनके टेबल को मैंने ज्वाइन किया है। ये हैं जीजा जी, तो चाय पियेंगे, मिलते हैं चाय पीने के बाद आपसे थोड़ी देर में। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वापस हरियाणा, एमपी से हरियाणा अप डाउन। तो मेरे साथ है, साथ है यूट्यूबर, हमारे साथ है मनु। मनु से पूछते हैं कैसी शादी रही, ट्रैवल में मजा आया कि शादी में मजा आया? नहीं भाई, हमें शादी में नहीं, हमें ना चंदोलिया जी को देख देख कितने मजे आए हैं।